देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रतिया के गांव रतनगढ़ के खिलाड़ियों ने गांव में बने 8 एकड़ के स्टेडियम में आज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी देते हुए खिलाड़ी कुलदीप ने बताया कि यह स्टेडियम 1995 में बना था और यह स्टेडियम फतेहाबाद जिले में सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन इस स्टेडियम में चारों तरफ गंदगी का आलम है। अगर यहाँ बारिश आ जाती है तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और स्टेडियम में स्टेट लेवल के गेम भी हो चुके हैं, लेकिन इस स्टेडियम में किसी प्रकार की कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की मूलभूत सुविधाओं को लेकर रतिया विधायक और फतेहाबाद प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन के नाम पर और कुछ नहीं मिलता। आज गांव के खिलाड़ियों ने इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मांग की है कि स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं दी जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि अगर हमारी मांग जल्दी पूरी नहीं की गई तो इस बार वे चक्का जाम करेंगे। रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। स्टेडियम 1995 च बनया सीगा जी, साढ़े खेल मंत्री सी राम स्वरूप रामा जी, उन्होंने मंजूर करवाया सीगा। उस तो बाद सरकार ने भी कोई सुध नहीं ली, कोई देखभाल नहीं करी, इस दे विच सरकार कोई फैसिलिटी नहीं दे रही। असी सरकार तो मंग करते हैं कि साढ़े स्टेडियम विच जिन्नियां फैसिलिटियां बनदियां ने सारियां दित्तियां जाण। बहुत टाइम का यह बहुत बुरा हाल है इस स्टेडियम का, और फतेहाबाद जिले का इको स्टेडियम है जो सब तो बड़ा है। इस तो बड़ा कोई फतेहाबाद जिले स्टेडियम नहीं हैगा। असी मंग करते हैं डीसी साहब तो, सरकार तो और प्रशासन तो कि साढ़े स्टेडियम बन दी इहदी जिहड़ी कार्रवाई है सारी पूरी करी जाए तो इहनू वधिया बनाया जाए, और जे ना ये गल्लां होईयां जे ना ये पूरा होया तो असी चक्का जाम करन दी भी कोशिश करांगे और धरना देण दी भी एक वारी कोशिश करांगे भी धरना ला के इहदा कोई हल करवाया जाए, साडा स्टेडियम नू वधिया बनाया जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।